नगीनाबाग स्थित जतोई दरबार में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए घर से ही प्रार्थना और जरूरतमंदों की सेवा का आह्वान। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नगीनाबाग स्थित स्वामी संत बाबा दादूराम साहेब जतोई दरबार में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। फर्क इतना है कि कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक निमंत्रण नहीं दिए गए। भक्तों से अपने निवास से ही प्रार्थना करने और जरूरतमंदों की सेवा कर धर्म लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। जतोई दरबार के सेवादार भाई फतन दास ने बताया कि 9 मार्च को सुखमनी साहिब का पाठ और आशा दीवार के साथ अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हुआ है। शाम को शब्द कीर्तन और आरती हुई। 10 मार्च बुधवार को सुंदरकांड का पाठ हुआ। 11 मार्च को अखंड पाठ साहिब का भोग शब्द कीर्तन के साथ महोत्सव का समापन होगा। नगीनाबाग जतोई दरबार में हर साल की भांति महाशिवरात्रि का पर्व सादगी के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें सुखमनी साहिब का पाठ कल सुबह 6:30 बजे आरंभ किया गया। 10:30 बजे अखंड पाठ साहिब का आरंभ किया गया। शाम को कथा कीर्तन, आज सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे सुखमनी का साहिब का पाठ किया गया। अभी सुबह 10 बजे शब्द कीर्तन, आज शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। कल सुबह सुखमनी साहिब का पाठ, 10 बजे अखंड पाठ साहिब का भोग, और सारा दिन मतलब शिवरात्रि का जल चढ़ाया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा। कल किस तरीके से भीड़ आती है कल के दिन यहाँ पर? भीड़ तो ऐसे हमेशा हर साल की तरह आती रहती है, पर इस बार थोड़े सादगी के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से शाम तक आयोजित किया जाएगा, धर्म लाभ आकर के प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपने ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।